Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस भले ही अपनी वर्चस्व कह सकते हैं कि अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन एक कांग्रेस को लेकर जो खबर आई है कि राजनीति में अछूत होती जा रही है कांग्रेस। जी हाँ, राजनीति में अछूत होती जा रही कांग्रेस। सबसे बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता। इससे पहले कि मैं आपको खबर बताऊं, मैं आपको बता दूं कि बीते कुछ समय पहले की अगर बात देखी जाए तो जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है सपा पार्टी के साथ हाथ मिलाया था, जिसमें सपा पार्टी की हार हुई थी। तो कहीं ना कहीं तब से जो है देखा जा रहा है कि कांग्रेस से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता। उन्हें डर लगता है कि कांग्रेस से अगर हाथ मिलाया, गठबंधन किया गया, तो जाहिर सी बात है हो सकता है चुनाव हार जाए। देखिए, कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी के विरोध में 2019 के चुनाव से पहले एक बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कुछ घटनाक्रम कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहे। सीपीएम के पोलित ब्यूरो में कांग्रेस से गठबंधन करने वाले प्रस्ताव गिर गए, जबकि ये प्रस्ताव खुद सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने पेश किया था। यानी कि देखिए, यहाँ पे भी सीताराम येचुरी की अगर हम बात करें तो सीताराम येचुरी ने ही एक प्रस्ताव पेश किया था कि पार्टी के साथ मिला जाए, लेकिन प्रस्ताव माना नहीं गया, लेकिन वोटिंग में पास नहीं हो पाए। कांग्रेस के लिए सोच का विषय बन गया है। कांग्रेस के नेताओं को नया गठबंधन बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये अफवाहें हैं या फिर ये बातें कही जा रही हैं कि अगर कांग्रेस से हाथ मिलाया जाता है या कांग्रेस से गठबंधन किया जाता है तो हो सकता है कि पार्टी चुनाव हार जाए, जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो अदर पार्टी है वो हाथ मिलाने से कांग्रेस से डर रही है ताकि चुनाव ना हार जाए। देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ना करने का ऐलान किया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी कई मौके पर कांग्रेस के साथ जाने से मना कर चुकी हैं। और बात की जाए कि कांग्रेस के साथ दिक्कत है कि नॉर्थ इंडिया में बिना चुनाव पूर्व गठबंधन किए नया पार होना मुश्किल है। कांग्रेस के पास सिर्फ बिहार में लालू की आरजेडी ही साथ दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, ऐसे में साफ जाहिर होता है, अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की बात, नॉर्थ की तरफ बात कीजिए, माफ कीजिएगा, नॉर्थ इंडिया की तरफ अगर हम बात करते हैं तो वहां पर चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा है, मेघालय है। तो अगर ऐसे में बिना गठबंधन के जो है कह सकते हैं कि काम करती है बिना गठबंधन के वहां पर, तो ऐसे में बिना गठबंधन के जो है कांग्रेस काम नहीं कर सकती है, और कांग्रेस के साथ जो है काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है कांग्रेस को। देखिए, कांग्रेस के पास सिर्फ बिहार में लालू प्रसाद की आरजेडी ही साथ दिखाई पड़ रही है। अगर बिहार की तरफ देखा जाए तो बिहार में कांग्रेस के साथ केवल लालू प्रसाद की आरजेडी है, और लालू प्रसाद वैसे भी जो है कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में देखिए, अदर पार्टियों के साथ गठबंधन बनाना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो गई है, और इसमें राहुल गांधी को कैसे एक अपने आप को मंझा हुआ बताना है और किस तरह से अपने आप को साबित करना है कि नहीं, अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से पार्टी को फायदा होगा, तो तमाम तरह की रणनीति जो है बनानी होगी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल कांग्रेस के साथ कोई दल जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी सभी दलों को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाना चुनावी तौर पर मुफीद नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनोज सिंह भी कहते हैं कि अभी कोई चुनाव नहीं है, ना कोई गठबंधन की बात है, बल्कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस और लेफ्ट साथ हैं। जिस तरह से संसद में सरकार के खिलाफ दोनों दल मुद्दों के आधार पर समन्वय बना रहे हैं, यानी कि चुनाव का वक्त है और चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा के भी चुनाव नजदीक हैं 2019 में। तो ऐसे में जो अदर पार्टियां हैं वो
यही कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के साथ जो है कह सकते हैं कि गठबंधन ना बनाया जाए, कांग्रेस के साथ गठबंधन ना बनाया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर वो गठबंधन बनाते हैं तो उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाए और उन्हें बुरा परिणाम इसका ना दिखे। देखिए अगर इतिहास की बात करते हैं तो कांग्रेस की अगुवाई में बनी पहली यूपीए सरकार को लेफ्ट पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था, लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार पर लेफ्ट ने यूपीए के साथ रिश्ता तोड़ दिया। सीपीएम के तब के महासचिव प्रकाश करात परमाणु करार के खिलाफ थे। इस वजह से जुलाई 2008 में मनमोहन सिंह सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ा था, लेकिन अचानक मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी ने पाला बदला और कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई, जिससे प्रकाश करात की सरकार गिरने के मंसूबों पर पानी फिर गया, जिसके बाद सीपीएम और कांग्रेस के बीच तनातनी भी चलती रही। और देखिए लेकिन सीपीएम और कांग्रेस फिर मिले 2016 के बंगाल के विधानसभा चुनाव में, जिसमें कांग्रेस को तो गठबंधन का फायदा हुआ लेकिन सीपीएम को नुकसान हो गया। कांग्रेस 44 सीट जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। सीपीएम को राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ। इसके अलावा फरवरी में त्रिपुरा में विधानसभा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुनाव होने वाले हैं, सीपीएम को 1993 से सरकार है और विरोध में कांग्रेस है, यानी कि त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं और 1993 से सरकार है और विरोध में कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का जिस तरह से वो विरोध कर रही है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अलग बात है। अब ऐसे में नॉर्थ ईस्ट की जो इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है, वहां पर कैसे कांग्रेस को अपने आप को साबित करना है, कैसे कांग्रेस जो है कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति बनाती है, ये तो राहुल गांधी को सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब वो कई कोशिशें कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर रहे हैं चुनाव का प्रचार करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की रणनीतियां बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिरकार नॉर्थ ईस्ट में वो किस तरह से अपने आप को सही साबित कर पाएंगे और किस तरह से वो चुनाव जीतने के लिए किस पार्टी से गठबंधन करेंगे। देखिए जाहिर है कि भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया जाता है तो इसका नुकसान सीपीएम को त्रिपुरा में उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा केरल में सीपीएम और कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन एक दूसरे के सामने है। सीपीएम में प्रकाश करात गुट इस बार हावी दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से सीताराम येचुरी का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। ऐसा लग रहा है कि प्रकाश करात अभी 2008 की बात भूल नहीं पाए हैं। और यूपी की बात करते हैं तो यूपी के साथ नहीं है साथ, तो 2017 की बात करते हैं तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन फायदा बीजेपी को हुआ। बीजेपी ने ऐतिहासिक 325 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जिसका बहाना बनाकर कांग्रेस ने सपा के गठबंधन ना करने के फैसला किया। हालांकि दोनों दल निकाय चुनाव में अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन ना ही सपा को ना ही कांग्रेस के शहरों में कामयाबी मिली। बीएसपी फिर से ताकतवर बनकर उभरी और दो नगरों निगम में कामयाबी मिली। ये दोनों दल 2004 से लेकर 2014 तक यूपी को बाहर से समर्थन देते रहे। तो देखिए वाकई में कांग्रेस के लिए अब मुसीबत बन गई है और कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती भी है। हालांकि राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी काफी कोशिशें तो कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव को जीता जाए और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है वहां पर किस तरह से गठबंधन किया जाए, वहां पर कैसे जो है लोगों को मनाया जाए, कैसे जो है अपने नेताओं को वहां पर उतारा जाए, किस तरह से पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए, ये तमाम तरह की चीजें उन्हें सोचनी होगी। क्योंकि देखिए अब 2019 का जो चुनाव है लोकसभा का वो नजदीक है और ऐसे में अगर कांग्रेस जो है गठबंधन नहीं करती है तो हो सकता है कि उन्हें जो है नुकसान उठाना पड़े। देखिए 2008 की अगर बात करता हूँ तो 2008 के विश्वास मत के बाद मुलायम सिंह को उम्मीद थी कि सरकार में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सोनिया गांधी ने मुलायम सिंह को सरकार से दूर ही रखा, लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूरी में सरकार के साथ रही। यूपी में शामिल रहे रामविलास पासवान इस वक्त एनडीए के साथ हैं। एनसीपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूट चुका है। ममता बनर्जी
चुनाव के पूर्व कांग्रेस के साथ जाएगी, इसकी संभावना कम है। बंगाल की प्रदेश कांग्रेस ममता के साथ गठबंधन के खिलाफ है। तो तमाम तरह की देखिए जो यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर जो देखने को मिला था, तो कहीं ना कहीं अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी को अब ये तय करना होगा कि गठबंधन किस तरह से किया जाए, कैसे अदर पार्टियों को मनाया जाए और किस तरह की रणनीति बनाई जाए। ये तमाम तरह के फैसले अब राहुल गांधी को करने होंगे, क्योंकि 2019 का चुनाव अगर जीतना है तो उन्हें तमाम तरह की स्ट्रेटजी बनानी होगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।